Hi guys, welcome back to my YouTube channel and there is a very very important update for you all. तो NTA ने answer की और आपकी scanned OMR copies upload कर दी हैं. आप नीचे दिए गए link पर जाके अपनी OMR को download कर सकते हैं, answer key को download कर सकते हैं, official answer key को, और आप अपना score calculate कर सकते हैं. And आप score calculate करो, उससे पहले I know जिन बच्चों ने भी कर लिया है, काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशंस आई हैं मार्क्स में. हमने और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के जो आपने मार्क्स बनाए थे उससे काफ़ी फ्लक्चुएट कर रहे हैं मार्क्स, ऐसा मुझे सुनने में आया है. कहीं कहीं कुछ प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं कि कहीं ऑप्शन 5 आंसर दिया हुआ है, किसी क्वेश्चन का कुछ आंसर दिया हुआ है. तो जितने भी बच्चे वो फ्लक्चुएशन को देख के थोड़ा डिसहार्टन हो गए हैं, जिनको ऐसा लग रहा है कि अब तो, पहले तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मेरा सिलेक्शन हो जाए, अब नहीं होगा, अब मेरे मार्क्स कम हो गए हैं, उन सबको मैं यही कहना चाहूँगी कि आई नो इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट फेज. मैं भी वहाँ पर रह चुकी हूँ और थोड़ा मुश्किल होता है ये सब चीज़ों को एब्जॉर्व करना इस टाइम पे. पर आई वुड रिकमेंड कि अभी थोड़ा सब्र रखो, वेट फॉर द रिजल्ट टू कम. आपको अगर लग रहा है बॉर्डर लाइन पे हो, अभी रिजल्ट का वेट करो. लेट्स सी कि क्या रैंक आती है, उसके हिसाब से अपना मन थोड़ा और बनाना. बट अभी इतनी ज़्यादा टेंशन मत लो, वेट फॉर द रिजल्ट, वेट फॉर द रैंक. अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप बॉर्डर लाइन पे हो, बट उन लोगों के लिए मैं ये भी कहना चाहूँगी जिनको ऐसा लग रहा है अभी ये रियलाइज हो गया है कि हमारा सिलेक्शन होना काफ़ी मुश्किल है इस टाइम पर, हमारा स्कोर काफ़ी कम है, तो आप ये जो टाइम है प्लीज़ इसको वेस्ट मत करना. इस टाइम पे आप ये सब मत सोचना अब कि क्या होगा रिजल्ट में, जब आपको बहुत क्लियरली पता है कि इस बार मेरा सिलेक्शन होना थोड़ा मुश्किल है. तो इस टाइम को आप यूटिलाइज करो. किसके लिए यूटिलाइज करो? अगर आप ड्रॉप लेना चाहते हो, अगर आप कोई और कोर्स में एनरोल होना चाहते हो, अगर आप कोई और चीज करना चाहते हो, कोई और लाइन आप चूज करना चाहते हो, आप BDS करना चाहते हो, या आप कोई और चीज करना चाहते हो, तो इस टाइम को आप यूटिलाइज करो अपने उस डिसीजन को बनाने में. ये जो दिन है इसमें आप रिसर्च करो, आप ये जानो कि आप खुद से क्या चाहते हो, और क्या आपको सिर्फ ऐसा लगता है कि नहीं मुझे सिर्फ डॉक्टर ही बनना है, या आपके लिए और भी बहुत सारे ऑप्शंस खुले हैं. तो उसको आप सोचो, बैठ के एनालाइज करो और अपना डिसीजन इस टाइम कर लो. इस अपने आप को कुछ वक्त दो और ठंडे दिमाग से सोचो कि आपको आगे क्या करना है. और अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि हाँ मुझे तो ड्रॉप ही लेना है, तो प्लीज इस टाइम को वेस्ट मत करो और थोड़ा 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 अपना स्टार्ट करना शुरू कर दो कि कैसे आपको क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कैसे करना है, सब कुछ वो पूरा प्लान बनाना शुरू कर दो. अभी का टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, ताकि आपका दिमाग भी लगा रहे और आपको ये जो बुरा भी फील हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं नहीं कर पाया हूँ या कुछ, वो भी आपका सारी जो एनर्जी है वो एफिशिएंटली यूज आप करते हैं. तो इस टाइम को वेस्ट मत करना. एंजॉय करना चाहते हो तो एंजॉय भी करो, बट थोड़ा थोड़ा स्टार्ट कर सकते हो. और बाकी सभी लोगों से मैं यही कहना चाहूँगी कि जल्दी से जाके अपनी आंसर की से आप OMR मैच कीजिए और मुझे बताओ कि आपका क्या स्कोर आ रहा है. और साथ में गाइज, मेरा टेलीग्राम चैनल इशिता फॉर यू जरूर 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 ज्वाइन कर लेना फॉर ऑल द अपडेट. एंड ऑल्सो हर रोज वहाँ पे हैंड रिटन नोट्स अपलोड किए जा रहे हैं आपके लिए, हर रोज क्वेश्चंस, निमोनिक्स, मोटिवेशनल कोट, सब कुछ डाला जा रहा है, एंड एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट. तो आप टेलीग्राम चैनल इशिता फॉर यू जरूर ज्वाइन कर लेना, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, और आपके जो भी डाउट्स है, जो भी कंफ्यूजन है, वो आप कमेंट सेक्शन में पूछो, एंड आई एम श्योरली गोइंग टू मेक अ वीडियो ऑन दैट. So see you guys, stay happy, stay healthy and study smart.